हाँ जी दोस्तों, तो आज चीन को पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना बहुत ही भारी पड़ चुका है। और जो चीन पाकिस्तान को अपनी मिसाइल की क्रिटिकल जानकारी देने में लगा हुआ था, आज इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दरअसल आज से दो दिन पहले पाकिस्तान की अबावल मिसाइल का परीक्षण किया गया था, लेकिन ये परीक्षण पूरी तरीके से फेल हो गया था। फिर भी पाकिस्तान की तरफ से खुशियां मनाई जा रही थी और दुनिया भर के देशों को बताया जा रहा था कि हमारी अबावल मिसाइल का परीक्षण सफल हो गया है। और बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से भी अपनी मिसाइल के कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। और जैसे ही ये बात अमेरिका को पता चली, तो अमेरिका ने चीन के तीन कंपनियों पर तुरंत ही प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, क्योंकि चीन की तरफ से पाकिस्तान को कोई ऐसी वैसी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी जा रही थी। और अमेरिका के विदेश प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि हमने चीन की जनरल टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी और यूटेक कंपनी के ऊपर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इन तीनों कंपनियों की तरफ से पाकिस्तान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी जा रही थी। और इसी टेक्नोलॉजी के दम पर पाकिस्तान अपने लिए लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला था, लेकिन अब पाकिस्तान का सपना धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि चीन की तरफ से पाकिस्तान को अपने रॉकेट इंजन की भी टेक्नोलॉजी दी जा रही थी। साथ में जनरल टेक्नोलॉजी की तरफ से मिसाइल के कई पार्ट्स भी पाकिस्तान को दिए जा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही अमेरिका की तरफ से इन तीनों कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है, उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और न ही भविष्य में इस तरह का कुछ करने वाले हैं। जिस भी देश की तरफ से अगर भविष्य में अपनी मिसाइल की टेक्नोलॉजी दूसरे देश को दी जाएगी, हम उसके ऊपर भी ऐसे ही कार्यवाही करेंगे। और ये भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं तीन कंपनियों की मदद से अपने लिए लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बना पाता, जो कि आगे चलकर भारत के लिए ही बड़ा खतरा बनते। आपको क्या लगता है कि अमेरिका की तरफ से इन तीनों कंपनियों पर बैन लगाकर सही किया गया या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।